दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीडूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। तो हम बात करने वाले 5 नवंबर, जिस दिन विराट कोहली का बर्थडे है, जिस मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के मैच नंबर 37, जिसमें कोलकाता के हिस्टोरिक ईडन गार्डन में भिड़ेंगे इस वर्ल्ड कप की दो सबसे टॉप टीम साउथ अफ्रीका और भारत। दोनों ही टीम ने अब तक शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और एक दूसरे से भिड़ने के लिए भी तैयार है। तो यह मुकाबला बेहद कांटेदार होने वाला है और दोनों टीम वर्ल्ड कप की कंटेंडर भी है। तो अब आगे बात करते हैं, पहले दोनों टीमों की वर्ल्ड कप हेड टू हेड चेक करते हैं। जहां पे टोटल मैच 5 खेले गए हैं, तो वहीं साउथ अफ्रीका 3 मैच जीत के आ रही है, तो भारत 2 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बात करते हैं, टॉस प्रिडिक्शन देखते हैं। तो यह विकेट टॉस और बैटिंग के लिए बेस्ट है। इस खेल में टॉस जीतने वाली टीम चेस करके सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। वहीं अगर बात करें पिच रिपोर्ट, तो पिच काफ़ी सॉलिड है और स्टार्ट से बॉल टर्न करेगी। बैट्समैन को यहाँ पर थोड़ा सा टिक कर खेलना होगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू के चलते टारगेट चेस करना थोड़ा ईजी हो सकता है। पिच से स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर की रिपोर्ट। तो कोलकाता में मौसम नम रहेगा। नवंबर में यहाँ पर दिन के समय में धूप खिली रहती है, शाम में ओस हो सकती है। टेम्परेचर 27 से 35 के बीच में रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं साउथ अफ्रीका की शॉट एनालिसिस करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस समय सबसे खतरनाक फॉर्म में चल रही है। उनके दोनों ओपनर बेहतरीन फॉर्म में हैं। अगर पहली ओपनर क्वांटन डीकॉक की बात की जाए, तो टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने 4 शतक बना दिए और 550 से ज़्यादा रन भी बना चुके हैं। बैटिंग यूनिट में अगर देखें तो टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्वांटन डीकॉक हैं, जो अब तक 3 सेंचुरी बना चुके हैं। वहीं इस टीम का मिडिल ऑर्डर में सबसे खतरनाक दिख रहा है, जिसमें राशिद वान डेर डुसेन, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, विकेटकीपर हेनरी क्रासन एक तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। उनकी हिटिंग एबिलिटी बहुत तेज है। उनकी एकमात्र वीकनेस है जो उनके कप्तान टीम बमुमा का आउट ऑफ फॉर्म लगातार चल रहा है। ऑलराउंडर मार्को यंसन भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब बात करते हैं, फास्ट बॉलर यूनिट भी बहुत स्ट्रांग है। कैसिको रवारा विकेट लिस्ट में टॉप है। फास्ट बॉलर मार्को जॉनसन की बाउंसर बॉल खेलना काफ़ी मुश्किल है। फास्ट बॉलिंग में कैसिको रवारा, लुंगी नगीडी और कोएक्जी साथ मिलकर अटैक करेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के पास केशव महाराज और तबरेज शमसी जैसे शानदार स्पिनर्स हैं। दोनों नई बॉल से विकेट निकाल सकते हैं, तो इस पिच पर इफेक्टिव होगा। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स देखते हैं। तो क्वांटन डीकॉक, एडन मार्क्रम, हेनरी क्लासन, मार्को यंसन, तो ये रहे साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स। अब बात करते हैं इंडिया का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट मैच में देखा गया भारतीय टीम ने मुंबई के ग्राउंड पे जिस तरह श्रीलंका को रौंदा, उसे देखकर भारतीय टीम का फॉर्म हर कोई समझ गया, क्योंकि 302 रन के डिफरेंस से श्रीलंका को भारत ने हराया। अगर भारतीय टॉप ऑर्डर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, इस वक्त रोहित शर्मा बढ़िया फॉर्म में है। लास्ट मैच में शुभम गिल ने 92 रन का इनिंग खेलकर अपना फॉर्म दिखाया। वहीं उसके बाद विराट कोहली की क्या बात की जाए, उनके हर मैच में उनके बल्ले से रन लगातार निकल रहे हैं। टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वह लास्ट मैच में दूर हो गई। श्रेयस अय्यर भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम बैटिंग इस समय बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। लोअर ऑर्डर में भी जडेजा ने भी कमाल कर दिया। अब अगर बात करें भारत की बॉलिंग की, तो चाहे भारत की बॉलिंग इस समय पीक पर मोहम्मद शमी तो भौकाल मचा रहे हैं। 3 मैच में अभी तक वह 14 विकेट ले चुके हैं, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ लास्ट मैच में 5 विकेट भी शामिल है। और बॉलर्स ने लास्ट मैच में श्रीलंका की पूरी टीम को 55 रनों से ऑल आउट कर दिया। इससे भारतीय टीम का ताकत काफ़ी स्ट्रांग हो गई। वहीं जसप्रीत बुमराह भी बेहतरीन फॉर्म में है। टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर लास्ट मैच में मोहम्मद सिराज भी फॉर्म में आ गए। वहीं अगर स्पिन डिपार्टमेंट में जडेजा और कुलदीप की जोड़ी लगातार विकेट्स पर विकेट्स ले रही है। ईडन गार्डन की पिच पर जडेजा कमाल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं की प्लेयर्स देखते हैं इंडिया का। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, तो ये रहे इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस।
हमने अभी हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच प्रिडिक्शन भारतीय टीम होगी, क्योंकि इनके प्लेयर्स और बॉलर्स दोनों टॉप पर है और टीम भी स्ट्रांग हो चुकी है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।